हरे कृष्णा ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो ये पहला लेसन है आप सबको। मैं इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता कोर्स जो है उसमें ऑनलाइन कोर्स है, इसमें आप लोग सबको स्वागत करता हूँ। आप सबको बधाई देता हूँ कि आप लोग पंजीकरण किए हैं इस कोर्स में और हमें एक अवसर दिए हैं कि आपके साथ मैं इस ज्ञान को शेयर कर सकूँ। और पिछले दो वीडियो में हमने ये चर्चा किए हैं कि भगवद गीता क्यों पठन करें, क्यों अध्ययन करें, किस तरह के प्रश्न हमारे मन में होना चाहिए अगर हम मनुष्य जन्म में मिला है। अभी हमारे जीवन के जो मूलभूत पहलुओं हैं इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। ये आपको पता है मगर इसके बारे में आप कभी विचार नहीं किए हैं, आप कब सीरियसली इसके बारे में विचार नहीं किए, ध्यान पूर्वक आप इसके ऊपर कभी विचार नहीं किए हैं। अब जानते हैं इसको। पहला पहलू है हम सब सेवक हैं। माता पिता बच्चों की सेवा करते हैं, नेता जनता की सेवा करते हैं, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की तथा विद्यार्थी अपने शिक्षक की सेवा करता है। जब हम फसल की देख रेख करते हैं तो हमें फल फूल प्राप्त होते हैं। जब हम नदियों और जलाशय की देख रेख करते हैं तब हम लोगों के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था होती है। अर्थात हमें जीवित रहने के लिए अनिवार्यतः सेवा करनी पड़ती है। देखिए, कभी आप सोचे थे कि आप सेवक हैं करके? हम सेवा करते हैं, हमें असलियत में हम सेवक हैं, हम कभी स्वामी नहीं है। जब हम स्वामित्व की विचारधारा अपनी मन में ले आते हैं तो हमारे जीवन में दुख ही दुख शुरू हो जाता है। हैं? आप जब मैं मेरा बचपन में गांव में बड़ा हुआ था तो गांव में एक चीज हुआ करता था, माताएं जो हैं हर समय सेवा करते थे और इसकी वजह से उनकी चेहरा में ऐसे मुस्कुराहट होता था कि हमें तो सेवक जो है वो सेवा से इतनी आनंदित हो रहता है कि उसकी चेहरा में उसकी बदन में मुस्कुराहट होता है। आजकल के जमाने में देखिए किसकी मन में उस सेवा की भावना नहीं है, इसीलिए सबकी चेहरा आप देखिए चेहरा में कोई मुस्कुराहट नहीं है, है? चेहरा में आप दुखी दुख देख सकते हैं, है? कभी नहीं देख सकते हैं ये आदमी आनंद में है करके। ज्यादातर जो भी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है वो सुखी है। जब आप माता को सेवा करते देखते हैं तो उसके चेहरे में खुशी झलकती है। जब तक आप खुश हैं वो भी खुशी का अनुभव करती है। इसी तरह सभी संबंध में हम दो बातें देख सकते हैं। क्या दो बात है? ना हम सब दास हैं। सुख के मूल में निस्वार्थ सेवा होना चाहिए। अगर हमें अपने आप को सुखी महसूस करना चाहिए तो हमें निस्वार्थ पर सेवा करना चाहिए। ये निस्वार्थ पर सेवा कहां कर सकते हैं जहां पे हम स्थित हैं? मैं बेटा बनकर निस्वार्थ पर सेवा कर सकता हूँ, माता बनकर निस्वार्थ पर सेवा कर सकता हूँ, पति पत्नी बनकर मैं निस्वार्थ पर सेवा कर सकता हूँ, मुझे कुछ छोड़ना नहीं है। मगर निस्वार्थ पर सेवा कैसे होगी? ना निस्वार्थ पर सेवा तब होगी जब मैं परम सत्य को हर समय ध्यान करता हूँ। मुझे माता पिता पुत्र नेता इस सब को नकार करने का कोई जरूरी नहीं है, बस मेरा अंदर परम सत्य की भावना जब आ ही जाता है तो मैं जहां पे स्थित हूं वहीं पे खुश हो सकता हूं। हम भगवद्गीता से सीखेंगे कि परम पुरुष भगवान की निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति में सेवा हमें वास्तविक सुख प्रदान करती है। इसके बारे में बहुत चर्चा होगा इस कोर्स के अंदर दौरान।
दूसरी पहलू के बारे में बात करना चाहता हूं। दूसरी पहलू है हमें अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। We seek permanent relation, अच्छे संबंध, शाश्वत संबंध। कोई नहीं चाहता है कि अपनी बेटा से अलग हो जाए, अपनी माता से अलग हो जाए, अपनी बंधुजनों से अलग हो जाए। परंतु इस संसार की ऐसे नियम है, हमें अलग होना पड़ता है। मनुष्य होने के नाते हम संसार के अन्य लोगों से संबंधित रहते हैं। पिता पुत्र के संबंध, सभ्य सेवक का संबंध, पति पत्नी का संबंध, इत्यादि प्रकार के संबंध हम संसार में देखते हैं। हम सब अच्छे मित्र चाहते हैं। इसी प्रकार अच्छे जीवन साथी का संग हमारे जीवन को नया आयाम देती है। कुछ लोगों के प्रति हम आदर सत्कार के भाव रखते हैं। ये संबंध शुद्ध और उत्कृष्ट हो जाते हैं जब हम इन संबंध के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखते हैं और उन्हें निस्वार्थ भाव से वहन करते हैं। एक सोच मैं आपके सामने रखता हूं। मानो कि आप एक द्वीप के अंदर पहुंच गए और उस द्वीप में आप को पता चला आप अकेले हैं। उस द्वीप के अंदर सब कुछ है, बड़े बड़े प्रसाद हैं, उपवन हैं, जलाशय हैं, भोग करने का जितने सारे सरंजाम हो सकता है सब है, परंतु उधर कोई नहीं है। ना आपका कोई साथी है, ना आपकी कोई पत्नी है, ना आपके कोई पति है, ना आपकी कोई बेटा है, ना बेटी है, ना माता है, ना पिता है, कोई नहीं, आप अकेले हैं। आप कभी भी उधर सुखी नहीं रह सकते हैं। आप उस जगह कितने भी समृद्ध हो, आप छोड़कर आ जाओगे। तो इससे पता चलता है कि ये संबंध हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होना है। परंतु असली संबंध हमारा जो है वो परम सत्य के साथ है, कृष्ण के साथ है। श्रीमद् भगवद गीता की प्रस्तावना में श्रील प्रभुपाद जी इस संबंध में कहते हैं कि हम सभी का भगवान के साथ विशेष संबंध है। भगवान भावशून्य नहीं है, अपितु भावग्राही रस सागर परम पुरुष हैं। भगवान हमारी बातें सुनते हैं। हम अगर भगवान को कुछ भोग लगाते हैं, भगवान खाते हैं। भगवान मेरा दिल में बैठे हैं और मैं कुछ गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं, उसकी दिशा भी मुझे भगवान देते हैं। अतः उन परम पुरुष से हम सब दिव्य संबंध प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम भगवान को मात्र निराकार ब्रह्म तक सीमित कर देंगे तो हम दिव्य संबंध की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और यदि हम भगवान को विराट रूप अनंत पुरुष माने तभी उन विराट व्यक्तित्व से संबंध की कल्पना दुष्कर है, क्योंकि हम सब में प्रेममय संबंध की नित्य कामना रहती है। अतः भगवान इस कामना का आदर करते हुए जीवों को अपने से रसमय संबंध प्राप्त करने का अवसर देते हैं। हम सब भगवान से जुड़े हुए, हम सब भगवान से जुड़ सकते हैं। कोई भगवान के साथ मित्रता के संपर्क और संबंध बना सकता है, कोई उनकी दासत्व स्वीकार कर सकता है, कोई उनकी माता पिता की संबंध स्वीकार कर सकता है, कोई उनकी प्रेमिका की पद स्वीकार कर सकता है। तो भगवान के साथ हमारा एक रिश्ता है। जैसे कि भक्तिविनोद ठाकुर बहुत बड़े आचार्य कहते हैं कि जनक जननी दयित तनया प्रभु गुरु पति तुहु सर्वमय, भक्ति विनोद कहे सुनो काना राधा नाथ तुहु हमार पुराण। तो असलियत में जो संबंध हमारा होना चाहिए वो कृष्ण के साथ होना चाहिए। अगर कृष्ण के साथ मेरा संबंध है तो मैं एक अच्छा पिता बन सकता हूँ, एक अच्छा माता बन सकता हूँ, अच्छा मित्र बन सकता हूँ, अच्छा पुत्र भी बन सकता हूँ, अच्छा बेटी भी बन सकता हूँ। भगवान एक व्यक्तित्व है और हम उनसे यशोदा माता और नंद महाराज जैसे माता पिता के संबंध स्थापित कर सकते हैं। हनुमान जी के जैसे सेवक संबंध हम भगवान के प्रति प्राप्त कर सकते हैं, अथवा अर्जुन सुदामा उद्धव आदि जैसा साक्ष्य संबंध भी हम प्राप्त कर सकते हैं। वृंदावन के पेड़ पौधे
गौ गोपी आदि का भगवान के प्रति अतुल्य स्नेह है। भगवत गीता इन विषयों को भी उद्धृत करता है। तो हम सब अच्छे संबंध चाहते हैं, और अच्छे संबंध बनाने के लिए एक तरीका मैं आप लोगों को कहता हूं कि हमें परम सत्य के साथ जो शाश्वत में हमारे बंधन है, उस बंधन को पहले एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। तीसरी पहलू के बारे में बताऊंगा, जो कि आप जानते हैं, हम सब संपत्ति या स्वामित्व की अभिलाषा रखते हैं, परंतु हम स्वामी नहीं है। हम सभी को अपने शरीर पर बहुत गर्व होता है, तथा हम अपने शरीर को शाश्वत रूप से बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए देखिए एंटी एजिंग जितने सारे मेडिसिन होते हैं, जितने सारे वस्तु होते हैं, इसकी डिमांड आज की मार्केट में बहुत ज्यादा है। बहुत बड़ा $1 बिलियन बिजनेस ये है। परंतु क्या हम इस शरीर के स्वामी हैं? यदि हम इस शरीर के स्वामी होते तो हमें कभी वृद्ध होना नहीं पड़ता। हमें अनिवार्यतः बुद्ध होना पड़ता है। जैसे कि मैं कभी बालक हुआ करता था, उसके बाद कभी मैं युवक था, अब बुढ़ापा मुझे छाया गया है। अगर ये शरीर मेरा है तो ये बुढ़ा क्यों बनता है? ये वार्धक्य अवस्था क्यों है अगर ये मेरा शरीर है? नहीं, ये शरीर मुझे दिया गया है। एक दिन ये शरीर मुझे छोड़कर चला जाएगा, फिर भी शरीर के लिए मेरा अंदर इतनी घमंड क्यों है? मेरे बंधु, मेरा मित्र, इसके बारे में आप सोचिए। समय हमें सब कुछ प्रदान करता है और हमसे सब कुछ छीन भी लेता है। समय ने हमें परिवार दिया है और समय ही हमसे परिवार छीन लेता है। मुझे पिता माता दिए हैं, कौन? भगवान ने। और उस पिता माता से मैं एक ना एक दिन बिछड़ जाऊंगा। मेरा छोटा भाई एक दिन उसकी देहांत हो गया। मेरा पिता माता को इतनी दर्द हुआ, इतनी दुख हुआ। परंतु हमें समझना चाहिए, हम अपनी कर्म लेकर आते हैं, कुछ दिन इधर इस शरीर में निवास करते हैं, और जब समय हो जाता है उस शरीर को हमें त्याग देकर जाना ही है। कोई उसको बंद नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है। क्या हम अपने घर की स्वामी हैं? क्या हम अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने धन, अपने अनुयायियों के स्वामी हैं? बिल्कुल नहीं। मार्गरेट थैचर अपने समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और अत्यंत प्रभावशाली महिला रहे, किंतु अपने अंतिम दिनों में बीमारी के प्रभाव के कारण ये अपने निकट सगे संबंधियों की भी पहचान नहीं कर सके। आपको पता नहीं होगा, मार्गरेट थैचर और रोनाल्ड रीगन, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट और एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, दोनों बहुत प्रभावशाली थे, और दोनों का स्मृति नष्ट हो गया था। रोनाल्ड रीगन को पता नहीं था कि वो प्रेसिडेंट थे एक दिन, और मार्गरेट थैचर को पता नहीं था कि उनकी पतिदेव की देहांत हो चुका है। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि वास्तव में हम अपने बुद्धि के भी स्वामी नहीं है। इस प्रकार से हम प्राय देखते हैं कि धनवान भी कभी समय के साथ अत्यंत दरिद्र अवस्था में आ जाते हैं, अतः धन पर भी हमारा अधिकार नहीं है। जब व्यक्ति इस सत्य पर मनन करता है, तब वो इस यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है कि भगवान ही एकमात्र स्वामी है। इस प्रकार वैराग्य की भावना से भगवान को स्वामी मानकर कर्तव्य निर्वहन करना ही सच्चे ज्ञान का प्रतीक है। जो व्यक्ति इस संसार से आसक्त रहता है वो अज्ञानी है। आज भारतवर्ष में एक बड़ा मुद्दा है, वो है भ्रष्टाचार। हम भ्रष्टाचार क्यों करते हैं? भ्रष्टाचार इसीलिए करते हैं कि हमें लगता है मैं स्वामी हूं। क्यों ना चोरी करूं, क्यों ना घोटाला करूं, परंतु मेरा पास धन होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप को आर्टिफिशियली स्वामित्व मानना चाहता हूं। मैं अपने आप को स्वामी देखना चाहता हूं। मैं बहुत बड़ा हूं, यह सबसे बड़ा ज्ञान है। ना मेरा कुछ था जब जन्म हुआ, ना जब मृत्यु होगा मेरा साथ कुछ जाएगा। मैं स्वामी नहीं हूं।
सब चीज की स्वामी परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। और आखिरी पहलू मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा, जगत अनित्य है। संसार की समस्त वस्तुएं क्षण भंगुर है, जड़ वस्तुओं का अस्तित्व अस्थाई है। इंग्लैंड देश आकार में उत्तर प्रदेश से भी छोटा है, किंतु एक समय ब्रिटिश ने प्राय समस्त पृथ्वी पर राज्य स्थापित किया था। भारतवर्ष भी 200 साल तक ब्रिटिश साम्राज्य की अधीन में था, किंतु यह विशाल ब्रिटेन साम्राज्य अब नहीं है। विशाल सोवियत संघ का अंत हो चुका है। कोई महान सभ्यताएं समय के साथ आई और चली गई। इसी प्रकार से सुख और दुख, सफलता और असफलता भी अस्थाई है। व्यक्ति की समस्त जीवन की उपलब्धियां मृत्यु के समय असार प्रतीत होती है। रोनाल्ड रेगन, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी आदि नेता भी समय के प्रभाव से आए और गए। मृत्यु अटल सत्य है। कभी आप लोग इस पहलू पर चिंतन किए हैं? एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। This world is about temporariness. अशाश्वतम। भगवत श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनाः संसिद्धिं परमां गताः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। जब हम सत्य की खोज में रहेंगे तब हम देखेंगे कि इस भौतिक जगत में सिर्फ दुख ही दुख है और इस भौतिक जगत में सब कुछ अशाश्वतमय है। इधर कोई चीज चिरंतन नहीं है, सब अलिक है, सब क्षण भंगुर है। एक बात मैं हर समय कहता हूं, जब मैं छोटा बच्चा था, अगर मेरा सामने एक छोटा सा पत्ते भी गिर जाते हैं पेड़ की, तो मेरा आंख बड़ा हो जाता है, मेरा नजर उसकी ओर चले जाता है और मैं उस पत्ता को पकड़कर मुंह में डालता हूं और उसको और छिन भिन कर वो क्या है उसको जानने के लिए कोशिश करता हूं। और जैसे मैं बड़ा हो जाता हूं, वो पत्ता गिरना मुझे कोई आनंद देता नहीं है, मैं और कुछ चीज में लग जाता हूं और कुछ चीज मुझे पसंद हो जाता है। ऐसे में जब आगे बढ़ता हूं तो बहुत सारे चीजें जो मुझे एक दिन अच्छा लगता था वो अच्छा नहीं लगते हैं। और जब अंतिम समय आ जाता है तब जो भी मैं किया हूं, मेरा घर, मेरा संसार, ये सब मेरा सामने है, परंतु मुझे लगता है कि अब अंतिम समय आ गया, ये सब में मेरा कोई रुचि नहीं है, क्योंकि ये सब मुझे अंतिम समय में अंतिम रास्ता दिखाने के लिए इनके पास कोई सक्षमता नहीं है। अगर मैं गुरु और भगवत गीता की आसरा में हूं, गुरु कृष्ण की आसरा में हूं, तब ही अंतिम समय में मुझे कुछ प्रेरणा मिलेगा, नहीं तो ये घर द्वार प्रेरणा क्या देंगे। आज के जमाने में देखिए, बड़े बड़े लोग भी कमा में जाकर हॉस्पिटल में मरते हैं। भगवत गीता कलातीत विज्ञान है जो मनुष्य मात्र को इस प्रकार चिंतन करने की कला सिखाती है। हम सदैव सेवक रहते हैं, हम शाश्वत रूप से जीवित रहना चाहते हैं, हमारा स्वामित्व किसी पर नहीं है, यहाँ तक कि अपने शरीर पर भी हमारा स्वामित्व नहीं है। और प्रत्येक भौतिक वस्तु, हमारी उपलब्धियां, हमारा शरीर भी काल का ग्रास मात्र है। इस यथार्थ सत्य से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। मेरे बंधु, मेरा मित्र, कृपया इसके बारे में आप ध्यान करिए, ये सत्य है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में उपदेश देते हैं, पंचमी अध्याय आखिरी श्लोक 29th verse, भोक्ता रामे गतपसाम सर्वलोको महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर
मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। इस दुनिया में दुख ही दुख है। जब मैं समझ लेता हूं मेरा नाता परम पुरुष के साथ है और ये परम पुरुष कृष्ण जो है भोक्ता राम, वो ही एकमात्र भोक्ता है। यज्ञ तपसा जो कुछ भी हम करते हैं उसकी भोक्ता है, सभी कुछ जो भी है इस सृष्टि में उसकी भोक्ता सिर्फ एक ही है जो उनकी सृष्टा है, परम पुरुष परम सत्य श्री कृष्ण। और सर्वलोकमहेश्वर जो भी हमें दिखाई देता है और जो दिखाई नहीं देता है सबकी मालिक वही परम सत्य है। और इसके बावजूद वो हम सबका परम मित्र भी है। और जब मुझे ये पता चल जाता है कृष्ण मेरा परम मित्र है, दुख होते हुए भी मुझे दुख लगता नहीं है, स्पर्श नहीं कर पाता है। जैसे कि पद्म पत्र पानी के अंदर होते हुए भी पानी को स्पर्श नहीं करता है, ऐसे ही जब परम सत्य मेरा दिल में बास करते हैं, परम सत्य को जब मैं प्यार करता हूं भक्ति से, भक्ति में सेवा से मैं उनकी सेवा करता हूं, तब मुझे कोई दुख इस संसार की कोई भी दुख स्पर्श नहीं कर सकता है। मैं सिर्फ आनंद में रहता हूं, मैं शांति में रहता हूं। तो ये जो पहलू हमने अभी कहा, चार पहलू हमने कहा, पहला है हम दास हैं, दूसरा पहलू क्या हमने बोला कि हम संबंध शाश्वत संबंध के पीछे पड़े हैं, और तीसरा पहलू है इस संसार में किसी किसी चीज की हमारा स्वामित्व नहीं है, ये तीसरा है। और चौथा जो है इस दुनिया में सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अशाश्वत है। और ये पहलू जब हमारे अंदर में बैठ जाता है हम भगवान की शरण में आ जाते हैं। हरे कृष्ण।